राजधानी भोपाल के कई इलाकों में पानी इतना मटमैला आ रहा है कि वह पीने लायक ही नहीं है। इस कारण लोग खरीदकर पानी पी रहे हैं। दूसरी ओर कुछ जगह प्रेशर की समस्या भी बनी हुई है। कुछ इलाकों में पानी नहीं आने की शिकायतें लोग कर रहे हैं। सोमवार को नेहरू नगर स्थित न्यू सबरी नगर तिराहे पर कुछ लोग हाथों में बर्तन लेकर खड़े थे। तभी वहां से गुजर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना काफिला रुकवाया और लोगों से बात की। उन्होंने मौके से ही नगर निगम कमिश्नर से मोबाइल पर बात की और सप्लाई व्यवस्था सुधारने को कहा। शहर के 60% हिस्से में नगर निगम 12 से 15 मई तक कोलार पाइपलाइन से पानी सप्लाई नहीं कर पाया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की फटकार और कांग्रेसियों के बाद सप्लाई शुरू तो हुई, लेकिन परेशानी पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई है। पिछले 3 दिन से नलों से मटमैला पानी आ रहा है। कई इलाकों में पानी पीना तो दूर, घरेलू इस्तेमाल के लायक भी नहीं है। मंगलवार को भी यह समस्या बरकरार रही। रहवासी रवि उपाध्याय ने बताया, 6 दिन बाद 17 मई को पानी की सप्लाई हुई, लेकिन वह मटमैला ही आया। आज नल सूखे हैं। निगम की ओर से सप्लाई करने या नहीं करने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिले। गर्मी में पानी की किल्लत हो गई है। संदीप साहू ने बताया, निषादपुरा बैरसिया रोड एरिए में पानी की किल्लत है। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजधानी में बिगड़ी जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश की 17 वर्ष की भाजपा सरकार में आज भी लोगों को इस भीषण गर्मी में न पीने का पानी मिल रहा है, न बिजली मिल पा रही है, न रोजगार मिल पा रहा है, न किसानों को न्याय मिल पा रहा है, न बहन बेटियों को सम्मान व सुरक्षा मिल पा रही है। मटमैले पानी की सप्लाई को लेकर निगम के अफसरों का दावा है कि 1-2 दिन में समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। कमिश्नर KVS चौधरी कुलसानी ने बताया, नई कोलार लाइन के जरिए अब टंकियां जल्दी भर रही हैं। इससे प्रेशर की समस्या दूर होगी। जल प्रदाय व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है। न्यू सबरी नगर में आओ, यहाँ पे देखो पानी की व्यवस्था। अभी मैं यहाँ से बता के जा रहा हूँ, यहाँ देख के पानी की समस्या का समाधान करो। लोग खड़े,